दोस्तों आज बनाएंगे स्पेशल सर्दियों के लिए गुड़ वाला दलिया। हमारी दादी नानी इसी तरह से दलिया बनाती थी, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और जब भी मीठा खाने का मन करे ना, तो खीर हलवे की जगह आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनानी है। दलिया बनाने के लिए मैंने एक कटोरी दलिया लिया है। ये जिस कटोरी से हमने दलिया नापा है, सारे नाप हम इसी कटोरी से लेंगे। ये एक कटोरी ही मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। गुड़ भी उसी कटोरी से नाप के लिया जिस कटोरी से दलिया नापा है। ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, 7-8 बादाम हैं, 7-8 काजू हैं, थोड़ी किशमिश हैं और 3 मैंने अखरोट लिए हैं और ये 2-3 चम्मच देसी घी लिया है। दलिया हम कुकर में बनाएंगे। कुकर में ये घी डाल लेते हैं। पहले हम अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट लेने बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ले लें, नहीं तो रहने दें। बादाम मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा रोस्ट होने देंगे। उसके बाद ये काजू और अखरोट डाल देते हैं, थोड़ा रोस्ट होने देंगे इनको। और लास्ट में हम किशमिश डालेंगे, क्योंकि किशमिश डालते ही फूल जाती हैं। और ये देखिए ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। कुकर में जो घी बचा हुआ है, इसी में हम दलिया भूनेंगे। ये दलिया इसमें डाल देते हैं और दलिये को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अभी मैंने फ्लेम को हाई कर रखा है, 1-2 मिनट हाई फ्लेम पे भूनेंगे और जब इससे खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। दलिये को हमने लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसको भूनने में 3-4 मिनट लग जाती हैं और देखिए दलिये का हल्का कलर चेंज होने लगा है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, थोड़ी देर और भूनेंगे। दलिया हमारा कितना स्वादिष्ट बनेगा, ये दलिया भूनने के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आप दलिये को जितना अच्छा भून लेंगे, दलिया आपका उतना ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। और ये देखिए इसको मैंने 3-4 मिनट भून लिया है और अच्छा गोल्डन कलर इसका आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे हम हलवा बना रहे हैं वैसी खुशबू आ रही है। देखिए ये अच्छा भून चुका है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें 4 गुना डालेंगे। जिस कटोरी से हमने दलिया नापा था उसी कटोरी से नाप के हम 4 कटोरी इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप ज़्यादा लिक्विडी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा पतला बनाना चाहते हैं, तो 5 गुना पानी भी डाल सकते हैं। और अब ये गुड़ इसमें डाल देंगे और मिला देते हैं और कुकर को हम ढक देंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात ये है, कुकर को हमने ढका है, बंद नहीं किया है। जब दलिये में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम कुकर को बंद करेंगे। अगर अभी बंद कर देंगे तो जैसे ही सीटी आएगी, पानी सीटी में से बाहर निकलेगा और अभी गुड़ भी मेल्ट नहीं हुआ, वो भी नीचे जम जाएगा। थोड़ी देर में जब उबाल आ जाएगा तो गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद जब हम बंद करेंगे तो सीटी से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा। और ये देखिए बात करते करते इसमें उबाल आ गया है। एक बार इसको मिक्स कर देते हैं और अब कुकर को हम बंद कर देंगे। इसमें हम 4 सीटी लगवाएंगे। 4 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और जब कुकर हमारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद खोलेंगे। और ये देखिए 1 सीटी आ गई है और पानी देखिए आप बिल्कुल भी नहीं निकला है। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको खोल के देख लेते हैं और देखिए बिल्कुल क्लीन है ऊपर से। और ये देखिए कैसा सुनहरे कलर का हमारा दलिया बना है। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए कैसा सोने जैसा चमक रहा है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस 3-4 मिनट का काम है। थोड़े ड्राई फ्रूट हम दलिये में मिला लेंगे और थोड़े बाद में गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। इनको एक बार मिक्स कर देते हैं अच्छे से और ये देखिए दलिया बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। इसको मैंने डाल दिया है प्लेट में और ऊपर से इस पर 2 चम्मच घी डाल देते हैं। ऊपर से घी डालने से दलिये का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। और ऊपर से इस पर ये ड्राई फ्रूट भी हम डाल देते हैं और अब देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। बिल्कुल ये दलिया हलवे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। और इसकी खास बात यह है कि इसको हम गर्मी में भी सर्दी में भी किसी भी सीजन में बना सकते हैं। गुड़ वाला दलिया है, सर्दियों में भी बहुत हेल्दी होता है।
आप भी रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखना। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल वाला आइकन है, घंटी का निशान है, उसे भी दबा देना और ऑल करना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।